एडवांस बुकिंग के पहले दिन फाइटर ने कमाए 2 करोड़ रुपए। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। सैटरडे को इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और ट्रैकर की माने तो एडवांस बुकिंग के पहले दिन इस फिल्म ने 60,000 टिकट बेच कर लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो एडवांस बुकिंग के पहले दिन फाइटर की करीब 6,000 शोज के लिए 59,336 टिकट बेचे गए हैं, जिसकी कीमत 1,95,00,000 रुपए है। वही एक रिपोर्ट की माने तो फाइटर के साथ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज होगा। ये टीजर 1 मिनट 41 सेकंड का होगा, जिसमें एक्शन का जबरदस्त डोज देखने को मिलेगा। बड़े मियां छोटे मियां इस साल अप्रैल में ईद के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा अजय देवगन स्टारर शैतान का टीजर और शाहिद कृति स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ट्रेलर भी इस फिल्म के साथ देखने को मिल सकता है। फाइटर का डायरेक्शन पठान फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है। खास बात यह है कि सिद्धार्थ इस फिल्म को पठान की फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही रिलीज कर रहे हैं। पठान 25 जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी और उसमें भी दीपिका ही लीड रोल में नजर आई थी। वर्ल्ड वाइड 1,050 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये साल 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। वही फाइटर का जो ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें देश पर हुए टेररिस्ट अटैक का बदला लेते हुए ऋतिक रोशन नजर आए और इसमें उन्होंने एक भारी भरकम डायलॉग भी बोला, धोखे का जवाब बदले से लेने आया हूँ।